और ये जो लाइंस जो हैं मैंने बहुत पहले माँ के लिए लिखी थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि ये वक्त भी ऐसा आएगा। खुशबू की तरह फिजा में बिखर जाऊंगी मैं, सांस बनकर तेरी रूह में उतर जाऊंगी मैं। खुशबू की तरह सांस बनकर तेरी रूह में उतर जाऊंगी मैं। क्या हुआ नजरों से जो दूर हूं मैं, महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर होते पास नजर आऊंगी। मेरी आंखों को वो रोशनाई दो, नजर जिधर भी डालूं मां तो तुम ही तुम दिखा। सुन निर्मल मामोरी, सुन निर्मल मामोरी, सुन निर्मल मामोरी, सुन निर्मल मामोरी। बेटा ये ब्लॉसम टाइम, और हम सब के लिए तो माने ब्लॉसम बना दिया।
अगर हमारे घर में बहुत लोग रहते हैं, सिर पे रहते हैं, 50-60 साल के हो जाए, तो हर इंसान एक ही बात करता है कि मुझसे कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे इनको तकलीफ लगे। पर माँ ने पूरी दुनिया को इतना काम करा और माँ एक ही बात कहती है, बेटा सबसे प्यार करो। तो अंदर अपनी कॉन्शियस में झांक के देखिए, क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? सबसे बड़ी तकलीफ माँ के लिए यही रही, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ दिया, पर जो हमें देना चाहिए था उसमें हम सब लोग चूक गए। और ये सबसे बड़ी विडंबना है और यही स्वभाव है। रुसता ते रुसता